Hi, Riya, listen, मुझे वो singles app का contract देखना है. मेरी next installment उन्होंने pay नहीं की है. You know, I just wanted to check once. Fine. शाम को मैं तुम्हारे घर पे ले आती हूँ. 7 walks free. नहीं, शाम को मुझे अलिका की engagement में जाना है. अभी मैं salon जा रही हूँ तैयार होने. तुम एक काम करो, contract लेके सीधा engagement पे आ जाओ. वहीं मिलते हैं. Okay. Okay, thanks. Bye. Seriously, यार रितिका, कितने अजीब है ये मिस्टर कपूर. मुझे कह रहे हैं कि मैं उनके साथ अपने एक्स युवराज की एंगेजमेंट में जाऊं। आई मीन, ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ उनकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ गई और उसने हमें बंद दरवाजे के पीछे पकड़ लिया, इसलिए वो टॉपिक वहीं ड्रॉप हो गया। एक मिनट, वो हॉटी वो क्या करने आई थी वहाँ पे? क्या हुआ फिर? पता नहीं, मैं तो वहाँ से निकल गई उसके बाद। बहुत इरिटेटिंग है, पक्का आज उनकी क्लास लगने वाली होगी। मैंने भी एक पंच मार दिया, आई एम श्योर दूसरा पंच उनकी गर्लफ्रेंड ने मार दिया होगा। मतलब सोच भी कैसे सकते कि मैं युवराज की एंगेजमेंट में जाऊं? सीरियसली, वो जैसे भी है तुमसे शादी कर रही है। योर डिसीजन, रिमेम्बर। और तो ये सब छोड़, मुझे ये बता तुम लोग ऐसा कर क्या रहे थे कि दरवाजा बंद करने की जरूरत पड़ गई? अरे वो सब छोड़ यार, वो थोड़ा पर्सनल काम था। तो अभी से पर्सनल बातें भी शुरू हो गई। वे टू गो मिसेस कपूर। अरे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तू क्या सवाल। हेलो, एक सेकेंड रुक रितिका, मैं बाद में फोन करती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया। थोड़ा देखकर चलाना चाहिए ना गाड़ी में। आप देख के ही चला रही थी, पर रोड पे इतने बड़े बड़े बम्स जो है ना बारिश की वजह से। तुमको अवॉइड करने का ट्राई कर रही थी, पर जितना भी अवॉइड कर लो गाड़ी उन पे चली जाती है, और आप आ गई तो बस हो गया। लेकिन आप पीछे से आ रही थी ना, थोड़ा राइट पर रख सकती थी। तो मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी को लग जाती ना। अरे पर रोड पर चलने वालों के बारे में तो सोचिए ना, इंसानियत के नाते। बॉस प्लीज, ये इंसानियत की बातें उन्होंने अपने पास रखे, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंट है आप रोड पे हो और मैं गाड़ी चला रही हूँ। अगर आप गाड़ी चला रही होती तो आप भी यही करती। जस्ट बिकॉज किसी के कपड़े खराब ना हो, क्या आप अपनी कार के टक्कर होने देती? तो आपने इंसानियत और कन्वीनियंस में से कन्वीनियंस को चुना है। ग्रेट, आपकी चॉइस है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट प्लीज बी केयरफुल, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। वाओ, इतना एटीट्यूड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं पे देखा है? देखा होगा, दुनिया गोल है, प्लीज ड्राइव सेफली। जब से मिस्टर कपूर के साथ ये पिक्चर्स वायरल हुई है ना, हर किसी को यही लगता है कि वो मुझे जानते हैं। किस किस को एक्सप्लेन करूं? वो गर्ल मुंबई की गर्मी में रोड पे फ्राई हो रही है, गुस्सा तो आएगा ही। हाय, थैंक यू। अदिति को क्यों नहीं लाए? वो एक्चुअली बिजी थी। अच्छा ठीक है, आई विल जॉइन यू। अरे यश अंकल, ओए हाय, अरेंजमेंट्स कैसे हैं? ठीक है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू सो मच राम। थैंक यू। हमारी आलू के लिए कुछ भी। थैंक यू। ड्रिंक्स और स्टार्टर्स का बिल्कुल ध्यान रखना। हां, कोई कमी नहीं होनी चाहिए गेस्ट को। अगर जरूरत पड़े तो मैन पावर बढ़ा देना, लेकिन कोई भी गेस्ट नाराज नहीं होना चाहिए। कम ऑन, मूव। देखो जरा कैसा लग रहा हूँ मैं। अरे तूने प्रिया को फोन किया? अच्छा प्रिया अभी तक क्यों नहीं आई, इतनी लेट हो गई है। सब गेस्ट पहुँच गए और मेरी होने वाली बहू ही नहीं है। I want to see Priyana. मैंने उसे फोन किया था, वो एक्चुअली क्लिनिक में ज्यादा पेशेंट्स है तो उसे वक्त लग जाएगा, पर वो आएगी। राम, वो आएगी ना? हाँ वो जरूर आएगी। भाई साहब। हाँ जी। आप तो कल थे ही नहीं ना एंगेजमेंट पे, आप प्रिया से मिले ही नहीं। ओह हाँ। ऑल ओके? तुम बहुत स्ट्रेस लग रहे हो, सोए नहीं हो गया रात को? अनु प्रिया नहीं आने वाली, और जान ने पूछा तो मैंने कह दिया कि आएगी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जैसे ही आएगी ना प्रिया, मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, अपने पेरेंट्स के साथ आ रही है और डेंटिस्ट है। मैं ना एकदम उसको देखकर इतनी खुश हो जाती हूँ, पता नहीं वो क्लिनिक में कुछ क्या हुआ? यार समझ नहीं आ रहा मैं जान को कैसे समझाऊं यार, उनको पता चल जाएगा प्रिया नहीं आ रही है ना, तो उनके जो सवाल ऊपर शुरू होंगे मुझे पता नहीं कैसे जवाब दूं। दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, तूने कुछ कह दिया होगा, ये सब चालू हो जाएगा यार, एंड आई एम गेटिंग पैल्पिटेशंस थिंकिंग अबाउट इट। कुछ और है, वो नहीं आएगी? हाँ मैंने उससे पूछा था, उसने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी एक्स की एंगेजमेंट में। वो आलू, यू अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स आई नो। कम ऑन गाइस। हाँ क्या? एक नो। क्या देखूं? एक नो। कृति, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। अरे जब भी मान आई है कृति से स्माइल करके बात करती है ना, पता नहीं मेरे दिल में पैल्पिटेशंस होती है, पता नहीं आज क्या कहने वाली है उससे। वही तो देखना है मुझे ना। तुमसे बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिनेश, आंटी जी देखो कृति, शी इज अ मॉडल, कितनी ब्यूटीफुल है ना, राम की बहुत अच्छी दोस्त है। एंड कृति, दिस इज लिनेश। ये क्या कर रही है? आई डोंट नो व्हाट टू से। इनकी फैमिली को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, दे हैव अ वेरी गुड बिजनेस। वो बाथरूम में यूज करते हैं ना नल के टैप्स, या टैप्स उसका बिजनेस है।
आई थिंक यू बोथ शुड टॉक. राम भी शादी करने वाला है, अलीका की भी आज एंगेजमेंट है, जल्दी शादी हो जाएगी. सो थिंक अबाउट योर सेल्फ. एक्सक्यूज मी आंटी. मम्मी स्टॉप 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 स्टॉप, क्या कह रही है यार ये? तेरी सेटिंग तो हो गई, लगता है मम्मी कृतिका भी स्वयंवर रचा के रही है. तू तुझे जाने देख तो. हाय लिनेश, यू लव अ ड्रिंक? हाय नो आई एम गुड. सॉरी जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट. श्योर. चलो ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. समान समान समान. जस्ट स्टे विद मी, जस्ट लिसन. हाय राम, लिसन टू मी. तुम्हारी मॉम किसी बाथरूम के नल के बनाने वाले से मेरी शादी फिक्स करा रही है. मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन राम? अरे वो तुम इतनी सिंगल दिखती हो ना, सो ब्यूटीफुल एंड सिंगल, तो वाइब है वो. और मम्मी को पसंद है ये मैच मेकिंग कराना ना उनकी. डोंट तो मैं कर टाइम पास. नहीं नहीं, जस्ट चिल 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 चिल, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. इट्स नॉट समथिंग टू चिल अबाउट यार. मतलब थोड़ा सा लेफ्ट मिलो ना, स्ट्रेट नहीं लग रहा है ये. मम्मा मम्मी से हटना. अभी तक ये देखना कैसा लग रहा है. ठीक लग रहा है क्या? हां ठीक है, मेरी हाथ से थोड़ा बड़ा लगा दो. अच्छा बड़ा लगा दो. सेलिब्रिटी वेडिंग है, सेलिब्रिटी वेडिंग. अरे आज तक मैंने सिर्फ मैगजीन्स में पढ़ा था, आज अपने घर में हो रही है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा. कैसा लग रहा है ये पर्दों का कलर? ठीक लग रहा है ना? बहुत बढ़िया दी, बहुत बढ़िया. आपको क्या जरूरत थी इतने बड़े लोगों को अपने छोटे से घर में बुलाने की? हम लोग चले जाते ना कपूर मैंशन, आराम से एंजॉय करते मेहंदी की सेरेमनी. कैसे होगा ये सब लास्ट मिनट प्रिपरेशन? क्या बोल रहे हो आप? हर बार ऐसे रामकपूर के घर तो ना जा सकते फ्री की दावत खाने हम? वही तो. देखा तुम्हारी बेटी भी समझ गई बात. भाई होंगे कपूर समीर, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि सारे फंक्शन उन्हीं के घर पे होंगे. अरे हमारी बेटी की भी शादी है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? क्यों? बिल्कुल सही. Yes. अरे ये हो गया, थोड़ा चाय बना देना सबके लिए. रितिका ये सिटिंग अरेंजमेंट काफी है या शर्मा जी से सोफा मंगा लूं? पापा मेरे ख्याल से ठीक है, बस इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, स्पेशियस लगेगा है ना. मैं करता हूं. अरे लगा दिया सारे घर में पर्दे. दी और कुछ करना है? अरे हाँ हाँ, मेरे साथ पूरियां तलवा दो. देखा अंजू, सब लोग कैसे दिल से तैयारी करने में जुड़ गए. इसीलिए जब मिसेस कपूर का फोन आया कि मेहंदी का फंक्शन करना है, मैंने तुरंत बोल दिया मेहंदी का फंक्शन हमारे घर पे होगा. मेहंदी? शुक्र है तू आ गई. सीधा कर. अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे तेरी मेहंदी की ड्रेस के लिए नाप ले रही हूँ, एक घंटे में पूरा जोड़ा तैयार करना है मुझे. एक मिनट रुको, ये सब क्या हो रहा है? अरे राम की फैमिली आ रही है हमारे घर पर, आज तेरी मेहंदी का फंक्शन है. अरे आज तेरी मम्मी की एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल की है, पूरे मोहल्ले को बस लाउड स्पीकर लेके अनाउंसमेंट देने की. लेकिन फोन कर करके ना सबको बता दिया कि आज मेरी प्रिया की मेहंदी है. क्या पड़ोसी क्या रिश्तेदार, यहाँ तक कि उनके दोस्त मित्र भी आ रहे फंक्शन पे. राम कपूर को देखते, चल जल्दी से नाप दे दे. एक मिनट बुआ, बाद में करें प्लीज. चल ठीक है, बाद में करते. मम्मा यहाँ आओ, आपसे कुछ बात करनी है. क्या हुआ? अरे ये ऐसे ही पड़ा है. अरे मम्मा आज घर पे मेरी मेहंदी और मुझे ही पता नहीं, बता तो देते. और अगर रख भी रहे हो तो कुछ छोटा सा लोकी सिंपल सा नहीं हो सकता था? अरे सिंपल छोटा और लोकी फंक्शन चाहिए तुझे? सेलिब्रिटी वेडिंग हो रही है तेरी. ऐसी वेडिंग्स ना मैगजीन्स में देखी है और टीवी पे देखी है सिर्फ मैंने, और आज मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है. यार मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, तू पागल हो गई है क्या? अंजू कूल डाउन, तुम्हारी वेडिंग नहीं है, प्रिया की वेडिंग है, जस्ट रिमाइंडर. मुझे अच्छी तरह याद है. हाँ. कि मैं दुल्हन की माँ हूँ. करेक्ट. पर उसके बगल में तो मैं ही खड़ी रहने वाली हूँ ना. हाँ. और पैप्स मुझसे मेरी भी फोटोज मांगेंगे, बोलेंगे अंजू मैम लुक लेफ्ट, अंजू मैम लुक राइट. कितना मजा आने वाला है ना. स्माइल. लो फोटो लेने से पहले ही लाइट चली गई. लाइट चली गई? ओ दी, म्यूजिक सिस्टम कैसे चलेगा? लाइट कब तक आएगी? अरे तुझे म्यूजिक सिस्टम की पड़ी है और मुझे फ्रिज में रखी हुई पेस्ट्रीज और आइसक्रीम की फिक्र हो रही है, सारी पिघल जानी है. सुबह से लोग तैयारी में जुटे हैं राम और उसकी फैमिली का वेलकम करने के लिए, इतनी सारी प्रिपरेशंस हो रही है, प्रिया लाइट चली गई तो कैसे मैनेज होगा? अरे पापा पापा डोंट वरी, लाइट ही तो गई है ना, बस यूं गई यूं आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा. ओके. अरे नहीं नहीं, हमें तो आदत है इन सब की, लेकिन कपूर को आदत नहीं होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी. प्रिया मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मैं अभी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता हूँ, रुक जा. अरे अभी तक किया नहीं आपने फोन इलेक्ट्रिशियन को? अरे लगा रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा है. छोड़ो मैं खुद जाके उसे लेके आता हूँ. चलो. नहीं नहीं रुको, एक काम करती हूँ, आपने इतना कुछ कर दिया है, डोंट वरी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी. आप यही चाहते हो ना कि उनकी फैमिली अच्छे से एंजॉय करे, तो वो करेंगी. मैं खुद जाके इलेक्ट्रिशियन को लेके आती हूँ. ओके. अरे तू कैसे जाएगी, तू होने वाली दुल्हन है प्रिया, तू नहीं जा सकती. क्यों नहीं जा सकती? अभी तो मेहंदी भी नहीं लगी ना मेरे हाथ में, बस मैं यूं गई और लेकर आऊंगी, डोंट वरी. ओके. चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल. अरे पापा प्लीज, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, और फिर वो लोग अगर आ गए मिस्टर कपूर और उनकी फैमिली, तो वेलकम करने के लिए आप घर पर होने चाहिए ना. तो आप रुको मैं जाती हूँ. ओके. पहले तू ये बता, तेरी मेहंदी है ना, तू तैयार कब होगी, रेडी कब होगी तू? फाइनली मम्मा
जिस बात के लिए आप जिंदगी भर मुझे डांटती आई है ना कि मैं टाइम नहीं लेती रेडी होने में, आज वही मेरे काम आने वाला है। अच्छा जा जा, आप जा रही है तो जा, और 5 किलो मिठाई और फ्रूट्स भी लेके आना, याद रखना। हाँ हाँ, जो भी चाहिए फोन करके बता दो। ओके, वो जा रही है किस काम के लिए, तू ऊपर से सामान की लिस्ट थमा रही है उसे। अब जा रही है तो लेती ही आएगी ना। अरे हाँ, पर ये पहले मंगा सकते थे ना हम सामान। बाद में प्रॉब्लम ही रहती है आपको, काम कर लो थोड़ा। यूवी यार क्या कर रहा है ये, ऑफिस में दारू पी रहा है, वो भी दिन में। कुछ देख लेगा ना, नौकरी चली जाएगी तेरी। होगा तो देखेगा ना यार, सब लोग तो राम सर के मेहंदी फंक्शन में बिजी हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने वो भोली भाली सी नीची आवाज में बात करने वाली प्रिया इतनी इतनी ज्यादा शातिर निकलेगी, इतना बड़ा खेल खेल जाएगी मेरे साथ। तू ना खेला, तू सही कहता था यार, हाथ धो के पीछे पड़ गई हूँ मेरे। I'm telling you, जब तक वो मेरी और अलेखा की शादी नहीं तोड़वा देगी ना, वो चैन से बैठने नहीं वाली है। तुझे देखना चाहिए था यार, एंगेजमेंट वाले दिन कैसे गुस्से से देख रही थी मुझे, ताने मार मार के बहुत सुनाया उसने मुझे। जब से उसको राम कपूर का साथ मिला है ना, बहुत चौड़ में आ गई है वो। मेरे मेरे मुंह पे बोल के गई है कि वो पीछे नहीं हटेगी, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी। भाई मैं क्या करूंगा यार, सब कुछ खत्म हो गया यार। स्टॉप इट यार, क्या कर रहा है, अभी भी देर नहीं हुई है। वो एक बार जीत गई इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जीतेगी, और हर बार उसका लग उसके साथ नहीं देगा ना। और तू इतनी बड़ी ऐसे कैसे हार सकता है यार, अभी भी उसकी राम कपूर के साथ शादी नहीं हुई है, सिर्फ मेहंदी का फंक्शन है आज। सोच तेरे पास कितने बड़े चांसेस हैं उसकी शादी रोकने के लिए, कुछ बेटर आइडिया निकाल ब्रो, कुछ तो निकलेगा तेरे माइंड में। सही कह रहा है यार तू, मैं इसे गिव अप नहीं कर सकता हूँ यार। अभी उन दोनों की शादी हुई नहीं है, मेरे पास है अभी बहुत टाइम है मेरे पास। तोड़ दूंगा मैं उनकी शादी, तो मैं तोड़ के रहूंगा by hook or by crook. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.